हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके आपको चाहे बीए प्रोग्राम में हो, चाहे आप बीए ऑनर्स में हो, लेकिन ये वाला टॉपिक कई बार आपको रिपीटेडली देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। टॉपिक का नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले आपको बता दूँ तो आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, मैंने अलग अलग सेमेस्टर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी आपका सेमेस्टर है, आपको अपने सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली पूरी वीडियोस मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली काम कर सकते हैं, सीधे ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट पर जाइए और ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं ब्रिक्स की, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो ओरिजिन में सबसे पहले समझिए कि ब्रिक का मतलब क्या है। ब्रिक एक शॉर्ट फॉर्म है चार इंपॉर्टेंट देशों की, BRIC। बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया और सी स्टैंड फॉर चाइना। तो चार देशों का ग्रुप है, इसके शॉर्ट फॉर्म को हम ब्रिक बोलते हैं। और बेसिकली सबसे पहला जो आइडिया था वो जिम ओ नाइल, एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ नाइल उनका नाम था। उन्होंने सबसे पहले आइडिया रखा कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, अगर इनका ग्रुप बन जाए तो इकोनॉमिक जाइंट के तौर पर वो बिहेव कर सकते हैं, मतलब दुनिया की एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वो काम कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ एक आइडिया था 2001 के अंदर जिम ओ नाइल का, जो कि देखने में तो बहुत बेहतर लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत मुश्किल था। लेकिन ये मुश्किल काम भी आसान हुआ 2006 के अंदर। 2006 के अंदर क्या हुआ, 2006 के अंदर यूएन की एक मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग के अंदर इन चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी मुलाकात हुई, और उनकी मीटिंग के बाद शुरुआत हुई ब्रिक्स के बनने की। तो सबसे पहले शुरुआत 2006 में हो चुकी थी, और उसका आइडिया किसका था ब्रिक्स का, ब्रिक्स का बनाने का आइडिया जिम ओ नाइल एक इकोनॉमिस्ट का था। तो फॉर्मली इसकी पहला सबमिट हुआ, इसकी पहली मीटिंग हुई 2009 के अंदर, और 2009 की जो मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई, रशिया के अंदर एक जगह है यकटेरिनबर्ग, तो वहाँ पर इसका पहला सबमिट हुआ। और इसके बाद एक देश और भी इसके अंदर जुड़ा, वो देश था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर ब्रिक का हिस्सा बना, और इस तरीके से जो ब्रिक था उसका नाम चेंज होकर ब्रिक्स हो गया, BRICS, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, तब से लेकर हर साल क्या होता रहता है, एनुअल बेसिस पे इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। अब अगर बात करें इसकी प्रेसिडेंसी की या फिर चेयरमैनशिप की, तो ब्रिक्स का चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कौन होता है, तो ये भी बहुत सिंपल सा हिसाब है। इसका जो प्रेसिडेंसी होती है वो भी हर साल एनुअल बेसिस पे बदलती रहती है, और बहुत सीक्वेंस में बदलती है। BRICS मतलब एक साल के लिए ब्राज़ील इसका प्रेसिडेंट रहता है, ब्रिक्स का चेयरमैन रहता है, फिर अगली बार आर मतलब रशिया का बन जाता है, फिर इंडिया का बनता है एक साल के लिए, फिर चाइना का और फिर साउथ अफ्रीका का। और इस हिसाब से सीक्वेंस में देखते हुए हर साल इनके जो चेयरमैन है वो बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके पावर्स की। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स कोई एक प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक संगठन ना होकर ब्रिक्स क्या है, सिर्फ इन पांच देशों की मीटिंग्स होती रहती है, उन्हीं को हम ब्रिक्स कहते हैं। तो इन पांच देशों की जो ग्रुपिंग है उसको सिंपल तौर पर ब्रिक्स बोला गया है, कोई भी उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं इसकी पावर्स की। तो ब्रिक एक बहुत ही मजबूत इमर्जिंग पावर जो है इकोनॉमीज है उनका एक ग्रुप है। ये हम कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले तो जो ब्रिक्स हैं, ये जो चार देश हैं, पाँच देश हैं, इसके अंदर क्या है, दुनिया की 40% आबादी को, 40% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ ब्रिक्स से ही रिलेट करती है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, इसकी पावर को, कि दुनिया की 40% आबादी सिर्फ क्या है, इन पांच देशों में बसती है। तो ये पांच देश दुनिया की बहुत सारे आबादी का क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इसके, इसके अलावा GDP भी बहुत स्ट्रांग है ब्रिक्स की। अगर GDP की बात करें तो पूरी दुनिया की जितनी भी GDP है कुल मिला के उसका एक तिहाई हिस्सा, 1/3 हिस्सा, मतलब लगभग 30% जो वर्ल्ड्स की GDP है, पूरी दुनिया की एंटायर GDP है, वो सिर्फ ब्रिक्स से बिलोंग करती है। तो 30% GDP को ये लोग एक्वायर करते हैं, 40% पॉपुलेशन को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि ब्रिक कितना मजबूत संगठन है। और ये जो पांचों देश हैं वो सभी अपनी अपनी रीजन्स के एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं दुनिया के अंदर अगली सुपर पावर बनने का। तो काफ़ी मजबूत ग्रुप है। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी सारी पावर्स हैं, ट्रेड में बहुत सारे एग्रीमेंट्स ये लोग करते हैं, आपस में कॉपरेट करते हैं। और इसके अलावा एक ये भी इंपॉर्टेंट पावर है इसकी, ये जो ब्रिक्स है उसके दो मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, एक तो है रशिया और दूसरा चाइना, क्योंकि इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है। आइए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
जिसमें आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। जैसे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, SOL में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, इग्नू में हो, आपके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज हमसे चाहते हैं, फिर नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि इसको बनाने का पर्पस क्या था, क्या इसके काम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब ब्रिक्स की शुरुआत की गई थी तो उसके लिए एक विजन था। वो विजन ये था टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, दुनिया बायपोलैरिटी थी। बायपोलैरिटी मतलब टू सेंटर्स ऑफ पावर में दुनिया बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कोल्ड वॉर के ऊपर, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दुनिया की पहले क्या थी, बायपोलर थी, जिसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक सुपर पावर मतलब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद दुनिया क्या हो गई, यूनिपोलर हो गई। यूनिपोलर मतलब दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौती सुपर पावर बची अमेरिका, जिसके कोई भी सीरियस राइवल नहीं था और वो अपनी मनमानी कर सकती थी। तो उसी चीज़ को कम्बैट करने के लिए एक विजन था ब्रिक्स को बनाने का, कि दुनिया को यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ले जाना, मतलब दुनिया के अंदर कुछ और पावर्स को क्रिएट करना, ताकि दुनिया के अंदर जो बैलेंस है पावर्स का बना रहे और अमेरिका अपनी मनमानी लंबे टाइम तक नहीं कर सके। आइए बात करते हैं इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव की। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफकोर्स ये था टू इवॉल्व द इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के जो पांचों देश थे, इन पांचों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को इवॉल्व करना। और ये सबसे बेसिक इसका फंक्शन भी यही था, क्योंकि ये दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी, तो ये चाहते थे कि भाई बजाय के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं आपस में कॉम्पीट करेंगी, एक दूसरे को नुकसान करेंगी, उससे बेहतर ये है कि अगर ये पाँचों इकोनॉमीज़ एक साथ मिलकर काम करती हैं तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं आपस में मिलकर। तीसरे ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें इसकी, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि इन पांचों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करना, ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंक्लूड करना। तो क्योंकि ये पांचों ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि इन पांचों के बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम किया जा सके, जो इन पांचों को जोड़ने का काम करे और इनके बीच में इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉपरेशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब इन सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करना, जिससे कि इनके बीच में एक हेल्दी और पॉजिटिव कंपटीशन बना रहे और इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ती रहे। चौथा ऑब्जेक्टिव था कि इनके रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखना और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। अब ये कैसे हो सकता था, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पांचों देश हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के साथ साथ, ये सभी अपने अपने रीजन में काफ़ी डोमिनेंसी रखते हैं, काफ़ी प्रभाव रखते हैं। तो अगर ये पांचों ही देश अपने अपने रीजन के अंदर शांति से रहेंगे, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, छोटे मोटे जो इनके साथ देश हैं, वो लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पांचों देश ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो बाकी देश भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े इन्वॉल्व होंगे और रीजन की शांति और एज वेल एज़ पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड पीस है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस तरीके से ये जो पांचों देश हैं वो अपने अपने रीजन के अंदर शांति बनाए रखकर पीस को मेंटेन कर सकते हैं और स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि जो पांचों देश हैं उन सभी के अंदर एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, और ताकि इन पांचों देशों को FDI के लिहाज से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया जाए। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इन पांचों देशों को FDI के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया जाए। अब आखिरी में बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, ब्रिक्स का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया 2014 के अंदर, 2014 के अंदर इसको बनाया गया। और इसका जो बनाने का पर्पस यही था कि जो ब्रिक के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, मतलब इकोनॉमिक हेल्प करना, इकोनॉमिक एड देना अलग अलग पर्पस से, चाहे वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हो सकता है, किसी हेल्थ एपिडेमिक जैसे आज के टाइम पे COVID-19 चल रहा है उससे कम्बैट करने के लिए हो सकता है। तो ये इसका पर्पस था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई मतलब चाइना के अंदर बना हुआ है। और ये क्या करता है, इन पांचों देशों को लोन्स प्रोवाइड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एड को प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा ब्रिक्स का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।